Welcome back to the channel, guys. You are watching Concept Sublimation YouTube channel. तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ स्टोन प्रिंटिंग की एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टोन आपको किस तरीके से प्रिंट करना है. सब्लिमेशन वाले स्टोन की बात कर रहा हूँ, जो कुछ अगर रेंज की मैं बात करूँ जो इधर लगी हुई है, ये आप देखेंगे जो लाइन लगी हुई है, ये काफी सारे रेंज इसके अंदर मेरे पास में है. करीबन 12-13 शेप्स 12-13 साइज के अंदर ये मेरे पास में अवेलेबल है. तो गाइज इसके बारे में आज आपको बताऊंगा प्रिंटिंग आप कैसे करोगे. तो मेरे पास में दो मशीनें हैं आज, एक मेरे पास में है 3D वैक्यूम हीट प्रेस मशीन और अपना जो स्टैंडर्ड जो हम चलाते थे अपना नॉर्मल कॉम्बो हीट प्रेस मशीन का फ्लैट वाला हीटर. तो इन दोनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या टेम्परेचर सेटिंग्स के साथ में आपको इसके अंदर प्रिंटिंग करना है, किस तरीके से आपको प्रिंट करना है, किस तरीके से आपको प्लेस करना है. तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं. तो गाइज ये स्टोन मेरे पास में आज जो मैं आपको ट्रांसफर करके बताऊंगा. तो ये मेरे पास में आप देख ही रहे होंगे, मैंने जिस बॉक्स के अंदर से निकाला है इस तरह का हार्ड बॉक्स ही है, इसके अंदर आता है साथ ही में बबल रैप होकर के आपका आएगा विथ टू स्टैंड. ये इसके साथ के स्टैंड है जिसकी हेल्प से आप इसे टेबल के ऊपर आप इसे होल्ड करोगे. तो आप गाइज आप पैकिंग देख लीजिए पैकिंग किस तरह का है. ये अपना कार्ड बॉक्स बॉक्स पैकिंग है, काफी हार्ड डब्बा है ये, हार्ड बॉक्स पैकिंग के साथ में साथ ही में बबल रैप के साथ ही आएगा. तो मैं वापस बबल रैप को डब्बे के अंदर रखा, स्टैंड को मैं भी इसी के ऊपर रख देता हूँ. अभी आपको टेबल के ऊपर रख करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे लगाएंगे. और साथ ही में दूसरा जो मेरे पास में है ये है शेप, मैं आपको दिखाऊंगा. ये स्टैंड के साथ में निकला बॉक्स और ये दूसरा आपका बबल पैकिंग. ये सेफ्टी हो जाती है बस बबल पैकिंग होने के बाद में, ट्रांसपोर्टेशन उतना तकलीफ नहीं आता टूटने का, पूरा सेफली आपके पास तक पहुंच जाएगा. तो मैं एक बार टेबल के ऊपर रख ही देता हूँ प्रिंटिंग करने से पहले, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया आएगा किस तरीके से ये रखा जाएगा. तो जिस तरीके से रखा जाएगा मैं बस अभी प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू ही कर रहा हूँ. तो भाई सबसे पहले तो अपना ये देखेंगे टेम्परेचर हम लोगों ने क्या सेट करना है. तो भाई फ्लैट हीट प्रेस मेरे पास में है तो इसके अंदर अगर मैं टेम्परेचर सेट करने की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर जो हम इसके अंदर रखेंगे 290, मैक्सिमम टेम्परेचर 330 और टाइमिंग जो इसका हम रखेंगे 180 सेकेंड्स के लिए हम लोग इसका रखेंगे. तो गाइज टेम्परेचर सेट करते हैं. तो अभी इसका करंट टेम्परेचर ही आ रहा है 290 पर ही पहुंच चुकी है मशीन, मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर सेट किया हुआ है. तो एक बार चेक कर लेते हैं टेम्परेचर टाइमिंग को. 290 हमने मोड का बटन प्रेस करा, 290 इसका मिनिमम टेम्परेचर है जब हमने फर्स्ट टाइम मोड प्रेस करा. सेकेंड टाइम मोड प्रेस करा ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया जो कि 330 है, बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमें चाहिए वही इसके अंदर आ रहा है. मोड का बटन फिर से प्रेस करा, अब हमें सेट करना है टाइमिंग. टाइमिंग इसका है 147 तो हमें सेट करना है 180, तो हम इसे 180 ले लेंगे. आपको टेम्परेचर चार्ट व्हाट्सएप के ऊपर भी मिल जाएगा अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो. ये 180 टेम्परेचर हमने 180 टाइमिंग इसका हमने सेट कर दिया और दोबारा से मोड का बटन प्रेस करा तो 290 इसका टेम्परेचर आ गया. तो मिनिमम पर ये पहुंच चुकी है तो हम प्रिंटिंग का प्रोसेस चालू करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास में स्टोन, ये स्टोन मेरे पास में है, तो प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है. देखो इसमें प्रिंट आउट निकालने में कुछ भी साइंस मैंने इसके अंदर नहीं लगाई, सिंपल स्केल से मेजर करा कितने बाय कितने इंच का ये स्टोन है और मैंने सीधा कोरल ड्रॉ के अंदर डाला और फोटो को पावर क्लिक करके सीधा प्रिंट आउट के लिए कमांड दे दिया और ये कटिंग हो गई. अब चलेंगे टेपिंग की तरफ. ये हमारा इस तरीके से, इसमें सबसे अच्छी बात यह है स्क्वायर शेप के स्टोन के अंदर इसमें उल्टा सीधा नहीं है, आप किधर से भी लगा दो टेबल के ऊपर किधर से भी हैंग हो जाएगा. ये हमने इसके ऊपर पेपर को फिक्स कर दिया. नाउ टेपिंग हम इसकी करेंगे. तो टेप हमारे पास में ये हीट टेप रखी हुई है जो यूज हम करेंगे. ये हमने टेप इस तरीके से लगाई और पीछे की तरफ होल्ड कर दी और साथ ही में इधर भी ऐसी लगाएंगे. बस दो ही टेप सफिशिएंट हैं, हमने ये होल्ड कर दिया. ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं आपको जैसे लास्ट टाइम बता रहा था कि फ्लैट सरफेस है
ये बिल्कुल फ्लैट आइटम है, रॉक फोटो है। अभी मैं इसे नॉर्मली ऐसे ही प्रेस नहीं कर सकता, रीजन बीइंग अभी ये भी आपका हीटर फ्लैट है और आपका स्टोन भी बिल्कुल फ्लैट है, हार्ड सरफेस है दोनों। अब जैसे मैं प्रेस करूंगा यूनिफॉर्म हीटिंग जाने में उसके ऊपर तकलीफ होगा। तो अभी मेरे पास में ये शीट टेफ्लॉन रबर शीट इसे हम लोग बोलते हैं, ये भी क्या करेगा, ये हल्का सा स्पॉन्जी टाइप है। अब मैं इसे इसके ऊपर डाल दूंगा तो इसके ऊपर डालने से क्या होगा, पूरे स्टोन के ऊपर जो है यूनिफॉर्म हीटिंग जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेंटर में लिया और प्रेस कर दिया, अब प्रेस में कर रहा हूं, ये प्रेशर ज्यादा है तो इसे हम कम करेंगे। प्रेशर आप देखो इतना हो कि आपका इजीली 100 मतलब एक हाथ से आपका प्रेस हो जाए। ये हमने प्रेस कर दिया, हल्का सा अभी भी टाइट है, ये हमने प्रेस कर दिया इस तरीके से। प्रेस करने के बाद में हमने टाइमिंग वाला लास्ट वाला बटन है वो हमने प्रेस कर दिया, मतलब मशीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी हमने मिनिमम के ऊपर हमने जो मशीन हमने बीप कर रहा था आइटम हमने लगा दिया, स्टार्ट वाला बटन दबा दिया। अब अपना ये टेम्परेचर मैक्सिमम तक जाएगा और उसके बाद में टाइमिंग चालू होगा और तब हम अपना आइटम को निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ 3D मशीन भी हमारी हीट हो चुकी है, मैंने हीटिंग के लिए मशीन लगा रखी थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको टेम्परेचर टाइमिंग कैसे सेट करना है। हालांकि एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी टेम्परेचर टाइमिंग आपको किस तरीके से सेट करना है, लेकिन स्टोन पे आपको क्या टेम्परेचर देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो मशीन मिलेगी बिल्कुल इस मोड में मिलेगी, आपने पावर का बटन दबाना है, मशीन आपकी शुरू हो गई 190 डिग्री सेल्सियस 4.5 मिनट के लिए सेट है। तो हमें टेम्परेचर बिल्कुल सही है, टाइमिंग इसका चेंज करना है 4.5 मिनट से बढ़ा करके हमें इसे 7.5 मिनट करना है या 8 मिनट आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने टाइम पे क्लिक करा, टाइम आपका ब्लिंक कर रहा है और इसे इंक्रीज करके 7 मिनट हम लोग इसे करेंगे, हम इसे गर्म करेंगे 7 मिनट के लिए। ये 7 मिनट हमने कर दिया, टाइम का बटन फिर से प्रेस करा, तो अभी जो टेम्परेचर हमारा सेट है 190 के लिए 7 मिनट। अगर टेम्परेचर हमें बढ़ाना होता तो टेम्परेचर के बटन पे क्लिक करेंगे और प्लस का प्लस बटन दबाने से प्लस आपका हो जाएगा टेम्परेचर, माइनस करने से आपका टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। या आपने टेम्परेचर पे फिर से क्लिक करा, टेम्परेचर आपका सेट हो गया। हीटिंग का बटन हमने 1 टाइम प्रेस करेंगे तो सिंगल हीटर चालू हो जाएगा और 2 बार प्रेस करेंगे तो दूसरा हीटर आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 165-166 ये पहुंच गई है, इतने मशीन हीट होती है। इतने मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो पेपर के ऊपर प्रिंट आउट वगैरह वो मैं इतने लगा लेता हूँ। तो ये मैंने कागज के ऊपर लगा लिया है, ये हमारा प्रिंट आउट है, ये हमारा स्टोन है, तो हम इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो ये इधर रखा हुआ है, साथ ही मैं दूसरी मशीन की बात करूं तो टाइमिंग अभी इसका शुरू हो चुका है, 162 ये पहुंच गया। तो गाइस ये मशीन हमारी हो चुकी है हीट, तो पहले सेफ्टी ग्लव्स में पहन लूंगा। गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा, सेफ्टी ग्लव्स आप पहन लें जब भी आप 3D मशीन का आप यूज कर रहे हैं, मशीन के साथ में आएंगे ग्लव्स। मैंने मशीन को ओपन करा और इसके अंदर आप अपना स्टोन लगा देंगे। स्टोन लगाने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे इसका ये जो पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप है, ये आपका इसके अंदर लगा होना चाहिए, ठीक है। ये हमने रखा इस तरीके से और ये हमारा स्टोन है, देन हमने प्रेस कर दिया सिंपली और इसे हमने मशीन को लॉक कर दिया। लॉक करने के जस्ट बाद हमने अपना वैक्यूम का बटन दबाया, वैक्यूम का बटन हमने दबा दिया। अब ये आपका एरिया वैक्यूम होना शुरू हो गया है लाइक दिस, ये पूरा वैक्यूम हो गया और फिर हमने साथ ही में टाइमिंग का बटन प्रेस कर दिया, टाइमिंग आपका कम डाउन शुरू हो गया। तो जैसे ही अब 7 मिनट इसका पूरा होगा तब हम अपने स्टोन को निकालेंगे और तब एक बार रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट आया। तो साथ ही में मशीन का इसका टेम्परेचर करीबन 97 सेकंड्स और बचा है, तो हम इतना और वेट करेंगे इस मशीन के अंदर तब आपका आइटम निकल जाएगा। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप एग्जिस्टिंग सब्लिमेशन के अंदर आप काम कर रहे हो या इवन नहीं भी अगर आप कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि आपको अपना प्रिंटिंग के अंदर जाना है, टी शर्ट प्रिंटिंग के अंदर जाना है या स्टोन्स प्रिंटिंग के या सब्लिमेशन प्रिंटिंग के अंदर आपको जाना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा क्या हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्या हम लोग नया लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी वे है कि मैं आपको जो भी नॉलेज मेरे पास में या जो भी आइटम मेरे पास में उसे मैं आप तक शेयर कर पाऊं। तो गाइज मशीन हमारी होगी ये रेडी और मैं एक हाथ में सेफ्टी ग्लव्स पहन ही लेता हूँ क्योंकि स्टोन थोड़ा सा गर्म होगा और हमने साथ ही में लास्ट वाला बटन प्रेस कर दिया, आपका टाइम वाला बटन जो है काम करना टाइम आपको ऑफ हो गया और साथ ही में ये देखो ये हमारा आ गया प्रिंट। तो गाइज ये देखो ये हमारा प्रिंट हो गया, ये जो हमने लगाया था ये वो शीट है जो हमने इसके ऊपर लगाई थी, शीट तो खैर
डैमेज हो जाएगी आपकी, जब भी आप एक बार इसे हीटिंग करोगे तो ये हमारे अब काम करनी है, इसे हम डंप कर देंगे। और साथ ही में आप ये देखिए जो स्टोन आपका हुआ है रेडी, देखिए क्या शाइनिंग इसके अंदर आ रहा है। मैं इसे टेबल के ऊपर रख देता हूँ, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। ये देखिए बस सेकेंड स्टोन और हमारा हो रहा है, इसके अंदर रिजल्ट हम शो कर देंगे क्या रिजल्ट इसके अंदर आ रहा है। और दूसरा आप देख ही सकते हैं अभी कितना सुंदर फोटो आया एक कपल का, और हमने टेबल के ऊपर रख दिया। इसी के साथ में आप किसी अपने लविंग वन को आप किसे गिफ्ट कर सकते हो, किसी का बर्थडे आ रहा है उसे आप गिफ्ट कर सकते हो, इवन आप शोकेस के अंदर आप इसे फिट कर सकते हो, इवन टेबल टॉप भी आइटम है, टेबल के ऊपर भी आप इसे रख सकते हो। आप देख ही सकते हो जो प्रिंटिंग इसके अंदर आ रहा है, मैं एक चीज आपको उतार के दिखा देता हूँ। आप ये देखिए जो प्रिंटिंग इसके अंदर आ रहा है क्या क्वालिटी आ रहा है। तो सही टेम्परेचर टाइमिंग आप इसके अंदर यूज करो, जो क्वालिटी आपको दिख रहा है वही क्वालिटी बिल्कुल सेम आपके सामने आएगा। तो बाकी इवन इसके अलावा कुछ आपको और जरूरत है कि आपको इस आइटम के प्रिंटिंग के अंदर तकलीफ आ रहा है तो व्हाट्सएप पर भी आप बता सकते हो कि आपको इस आइटम का प्रिंटिंग का वीडियो चाहिए, या इवन नीचे कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट्स भी इसके अंदर कर सकते हो आपको किस आइटम का वीडियो चाहिए। तो अभी मशीन का हमारा इसका काम कम्प्लीट हो गया, तो मशीन को कर देते हैं बंद और साथ ही में 3 मिनट का और वेट करेंगे, 3 मिनट करीबन इसके अंदर बचा हुआ है। लगभग टाइम ही ओवर हो गया है, इसी के साथ हम आइटम को निकालेंगे। अब टाइमिंग का बटन दबा देंगे जिससे बीपिंग करी, बीपिंग करना बंद कर देगी। और हमने लॉक खोला और इसी के साथ हम इसे ओपन करूंगा। प्रिंटिंग इसके अंदर आ गया, अभी आप देखिए टेबल के ऊपर रखते हैं इसे। तो गाइस गरम रहेगा जब भी आप मशीन से निकालेंगे, प्लीज ध्यान से निकालें, ये सेफ्टी पहले है, आप अपने ग्लव्स को पहनना ना भूलें क्योंकि करीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे आइटम गरम हुआ है। अभी मैंने स्टैंड के ऊपर इसे रोक दिया। तो गाइस अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो प्रिंट आउट निकाला एग्जैक्टली इसी की शेप में कैसे निकाला। तो गाइस देखो मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये बात बता रहा था कि हम लोगों ने इसकी फाइलें तैयार करी हुई है, सीधा आपको कुछ नहीं करना, आपने फोटो लिया पावर क्लिप करा और सीधा प्रिंट आउट निकाल दिया। तो हम लोगों ने इसके पूरे मॉकअप्स रेडी किए हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपने अगर कंसेप्ट सब्लिमेशन आइटम आपने लिया हुआ है तो सिर्फ आपने अपना नंबर छोड़ना है या व्हाट्सएप नंबर जो उसके अंदर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि आपको इसकी आइटम की पीएसडी चाहिए या आपको उसका मॉकअप चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या बस आपके लिए होगा, ये जो एग्जैक्ट शेप हमारा आया है ना वो आप इजिली आप उससे प्रिंट निकाल पाओगे और प्रिंटिंग करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को मैं फिर इधर ही एंड करूंगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ नया प्रिंटिंग के साथ में। अगर आपको किसी आइटम का जल्दी से किसी आइटम का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं कि आपको इस आइटम का प्रिंटिंग का वीडियो पहले आपको चाहिए। तो गाइस मिलते हैं दोस्तों, और अगेन मैं बोलूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया, नमस्कार।